मैं ये गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ के उन शुभ ख्यालात से शुरुआत करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दो दिन की समाअत के बाद अदालत उज़्मा में इस्तदा की गई है, ये बिल्कुल उसी मिसदाक शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है। ये दो दिन पहले जब शुरुआत हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बैठकर एक बात कही कि किसी को अगर आज एतराज़ है मेरी एक साइल की रिश्तेदारी के साथ तो वो अभी फरमा दें, अभी कह दें तो मैं उठ जाता हूँ, इसलिए कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसमें रिश्तेदारियों की आड़ नहीं आती है, ये बुनियादी हकूक की बात है, ये इंसानी हकूक की बात है, इसलिए फैसला करने में मैं कोई जो है तजबजब नहीं महसूस करता अपने जाती तहीं, लेकिन अगर किसी को कोई एतराज़ है तो आज फरमा दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने और सरकार की जानिब से जितने दीगर वकला खड़े थे उन्होंने सब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी जानिब से यही हुआ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज मुल्क जो है जिस अजियत और कर्ब से गुजर रहा है उसकी बेहतरीन तरीका हल यही है कि इस पटिशन का फैसला कर दिया जाए। जनाब बैरिस्टर एतजाज़ चौधरी एतजाज़ आसन ने भी कोई अपनी जाती रंजिश नहीं लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि वो भी एक ऐसे जज्बे के तहत आए थे कि बुनियादी हकूक की पामाली और आइन से मावरा इकदाम होने जा रहे थे, जिसकी वजह से वो तशरीफ लाए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए और मुझे वकालत का शर्फ मिला इनकी जानिब से, और इसी तरह बाकी पटिशन थी। दो दिन अदालत उज़्मा ने चार चार बजे तक जो है सुनवाई की इस केस की, और आज जो है इसको फिक्स किया गया था। आपने देखा कि पहले ही वफाकी हुकूमत ने जो शोर मचा रखा था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और इस फैसले की तसदीक कर रहे थे कि बेंच पर एतराज़ात वफाकी हुकूमत जिस अंदाज से ढोंडे अंदाज से कर रही थी वो भी सबके सामने है। आज जब अदालत बैठी है तो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि जी मुझे अभी ये अब हिदायत मिली है कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच पर बैठने का एतराज़ करूं, तो ये उस पर हैरत हुई चीफ जस्टिस साहब को भी। और आपने सुना जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैंने इंतहाई तहम्मल और बर्दाश्त का इसमें जो है सबूत दिया है, आपने वो फैसला ना माना जो 90 दिन के अंदर जो है फैसला, आपने उसे उलझाया रखा, रेशोज में उलझाए रखा, आप किसी एक ने नहीं कहा कि 90 दिन का आइन में मुंदर्ज नहीं है कि इलेक्शन होना करार पाए हैं, आपने सरीहन तोहीन अदालत की उज़्मा की, और फिर भी हमने जो है बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से रेस्ट्रेंट का जो है मुजाहरा किया, आज आपने इंतहा कर दी। इस पर मैंने भी खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत डार्क डे मुतसवर होगा पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया की तारीख में भी ये एक स्याह दिन के तौर पर लिया जाएगा, वफाक पाकिस्तान के भी जो है इसको तबाही के दहाने पर ले जाने की ये काविश है जो हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा एतराज़ आए हमें, और दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब की ज़ात का ताल्लुक है उन पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी अहलियत पर, उनके जज्बे पर किसी को कोई शुबा और वो नहीं है, ये वफाक की जानिब से भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। मुझे समझ नहीं आती है कि फिर वज़ीर आज़म ने क्यों कर ये मुतसवर किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मुतसवर किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसको ताखीरी हरबा के तौर पर, और ये देखते हुए दो दिन की समाअत जो हमारी दलायल थी, ये देखते हुए कि ये नाकाबिले दिफा है ये अमल, फौजी अदालतों का क्याम आइन से मुतसादिम है, ये बावर करते हुए ये हकूमत ने अपनी शिकस्त मानी है, ये वाज़े तौर पर नज़र आ गया कि ये बेंच क्या, ये हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी कि 15 के 15 जजेस बैठें और ये फैसला करें, ये भी 9 मई से कम स्याह दिन नहीं है, ये 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं, ये वफाक और पाकिस्तान का
भरपूर नुकसान करने जा रही है। और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज़ किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदा रा अब वफाक इस पर जो है एतराज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफ़ा जब वफाक ने कह दिया दो दिन पहले कि मुझे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और दो दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है इतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्बाजी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिले दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी हम मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत करते हैं और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाएँ और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक की इस तरह से पामाली करते हैं और आईन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउल्लाह की तरह इन्होंने जो है नोक पर रख कर बखेर दिया है हवा में। देखें ये तो हुकूमत ने एतराज लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो हुकूमत सब कुछ इस्टैब्लिशमेंट पे तो नहीं डाल सकती, ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टैब्लिशमेंट कर रही है अमरीका। भाई आप ना जो आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर जी से, आप इस्तीफा दो देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज में उलझा रहे हैं। आईन बड़ा वाजे है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाजे है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाजे है, आप रेशोज पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज में ट्रैक करके आप कन्फ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, जज जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है, इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जज जजों में डिवीजन है। अलबत्त हर एक का अपना अपना नजरिया होना, आप दोनों सीनियर हैं, आपने बहुत तरीके से सियासत देखी, अदालत के अंदर क्या कुछ करा मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि अब उनके पास ये वक्त नहीं है जवाब करना है? इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है, इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है, उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है, इसलिए हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए कि खुदा रा इसे सरजमीन बे आइन ना बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनसे कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होगा, ये मानने को तैयार नहीं होंगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो आप 8 अक्टूबर को भी निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंगदेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है, पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरका सराई थी, इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए
एक्सेप्ट सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। इनकी जो जवाब है और इनके जो पिटिशन हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बताते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा, वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करें सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी का सर, आप इसे फीस ज्यादा कौन लेता है कौशल साहब, आप इसे ज्यादा फीस ज्यादा कौन लेता है? आम आदमी को आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुना है। 100 रुपया फीस दिया है उसने। नहीं सर, सेल्फ ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद में आगे करेंगे, बाकी का बाद में आगे। सवाल है, आपने बतौर सरकार की जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1,00,000 रुपया उसमें जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जब मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज्यादा जो वकालत की है और हाईकोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन लगवानी हो और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात